गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का ऐसा प्रॉब्लम जिसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक, इसका वर्किंग डिस्कस करूंगा। आप लोगों को ये समझाने का कोशिश करूंगा, अगर एक ही क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक हो तो उसका वर्किंग कैसे करते हैं। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अनसोल्ड स्टॉक। अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू करना है और अनसोल्ड स्टॉक का। सबसे पहले यहां देखिए, पी लिमिटेड ऑफ कोलकाता कंसाइंड 10,000 kg ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग 80 रूपीज। 10,000 भेजे, 80 रूपीज 8 लाख हो गया। कंसाइनर का एक्सपेंस है 50,000, 2,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ। आर टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग कंसाइनमेंट, पेड अनलोडिंग, गोडाउन रेंट, प्रिंटिंग, ये अनलोडिंग ही नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, बाद बाकी रेकरिंग एक्सपेंस। फिर वहां देखिए 200 लीकेज हो गया, ये नॉर्मल लॉस होगा, यहां लिखा हुआ भी है नॉर्मल लॉस। वो 800 यूनिट बेच दिया है तो 200 400 नुकसान हुआ, 8,000 बेच दिया गया तो 2,000 बचना चाहिए, 400 नुकसान तो 1,600। तो हमको पता लगाना है एबनॉर्मल लॉस का क्या वैल्यू हुआ और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए उसमें नॉर्मल लॉस भी आया था। चलिए देखते हैं वर्किंग कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग लॉस इन ट्रांजिट का वर्किंग करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट कॉस्ट प्राइस। रास्ता में 200 नुकसान हुआ है, एक का कॉस्ट प्राइस 80 है तो 16,000 होगा। इसमें कंसाइनर एक्सपेंस प्लस करेंगे, कंसाइनर का एक्सपेंस था 80,000, स्टॉक था 10,000 और नुकसान हुआ 200, तो 1600, दैट इज 17,600। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। अब हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन की तरफ बढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसकी तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमको ए नंबर स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट का वर्किंग करना होगा। हमको सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, 10,000 केजी स्टॉक भेजा गया था, 80 रुपया करके था, 8 लाख। इसमें गुड्स भेजते वक्त कंसाइनर का एक्सपेंस कंसीडर करना होगा 80,000, और कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अगर कोई हो तो कंसीडर करेंगे। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग अनलोडिंग था 19,000, ये होगा 899 वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आया है उसको बाद दे देंगे। अब क्वांटिटी का काम करते हैं, एनालिसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का एनालिसिस करते हैं, वो तो केजी में था। गुड सेंट 10,000 केजी था, इसमें से नॉर्मल लॉस बाद होगा, एबनॉर्मल लॉस बाद होगा। नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों लॉस बाद दे देंगे, 200 200, ये हो जाएगा 9,600 और ये नेट क्वांटिटी कहलाएगा। सोल्ड, 8,000 बेचा था तो ये 1600 बच गया, ये हो गया अनसोल्ड। अब इसी अनसोल्ड का वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसी का हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट,
डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी इनटू वंस। टोटल कॉस्ट अभी अभी कैलकुलेट हुआ 881,400 और नेट क्वांटिटी आया है 9,600, अनसोल्ड है 1600। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करते हो और ऐसे सवाल में नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस भी है, तो पहले एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कर लीजिए। उसका देखिए डबल काम है, टोटल कॉस्ट निकालने में भी वो एक्सक्लूड कर दिया गया और नेट क्वांटिटी निकालने में भी एक्सक्लूड कर दिया गया। और जैसा कि हम जानते हैं टोटल कॉस्ट बाय नेट क्वांटिटी इनटू अनसोल्ड, टोटल कॉस्ट आया, नेट क्वांटिटी आया, अनसोल्ड से इनटू किए 1469। ठीक है, चलते हैं एक दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। सिमिलर टॉपिक का ये एक दूसरा क्वेश्चन रख दिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखिए वही बात पूछा गया है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक का। 5000 केजी कंसाइंड किए 16 रूपया करके, तो गुड्स सेंट हो गया 80,000। कंसाइनर का खर्चा फ्रेट 2000, इंश्योरेंस 3, तो 5000 कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनी एक्सपेंस है 700 एडवर्टीजमेंट, 200 गोडाउन रेंट, दोनों का दोनों रिकरिंग एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करेंगे। 750 केजी एबनॉर्मल लॉस, जहां क्लेम मिला अकाउंट तो बनाना नहीं है, बस इतना जानिए 750 केजी लॉस इन ट्रांजिट। 3000 सेल, 5% कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक 1000। पहले यहां देखिए 5000 में 3000 बेच देगा तो 2000 बचना चाहिए, 750 नुकसान हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो 1250 बचना चाहिए, 1000 बचा है, 250 का गड़बड़ है, ये बता दिया है नॉर्मल लॉस। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अनसोल्ड स्टॉक तीनों है। चलिए इसका वर्किंग करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट के लिए कॉस्ट प्राइस 750 का नुकसान हुआ था और एक का दाम था 16 रूपया, तो 750 इंटू 16 दैट इज वो हुआ 12,000। इसमें कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड करेंगे, कंसाइनर का एक्सपेंस था 5,000 और स्टॉक भी था 5,000 और नुकसान हुआ था 750, तो 750 आ जाएगा, तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो गया 12,750। दो नंबर, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, उसमें ए नंबर करना होगा स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट डिटरमाइन कर लेंगे। टोटल कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कहने का मतलब हम लोग जितना स्टॉक भेजे थे उसका कॉस्ट, 5000 केजी भेजे थे, 16 रूपया दाम था, तो उसमें 80,000 आया, प्लस करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर फ्रेट इंश्योरेंस के नाम से 5000 खर्च किया था, प्लस करेंगे कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था नहीं, तो 85, इसमें से वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है उसको बाद दे देंगे 12,750, दैट इज 72,250। इसको टोटल कॉस्ट माना जाएगा। अब हम लोग करेंगे बी नंबर, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ क्वांटिटी, दैट इज केजी है। एनालिसिस में गुड सेंट, अगर आपको याद हो तो 5000 केजी सेंट किया गया, इसमें नॉर्मल लॉस हुआ और एबनॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस दिया है क्वेश्चन में 250
एबनॉर्मल लॉस 750, तो 4000 बच गया, 4000 हो गया नेट क्वांटिटी, उसमें से बेचा है 3000, माइनस सेल कर देते हैं 3000, तो बच जाएगा 1000, और 1000 हो जाएगा अनसोल्ड। जब टोटल कॉस्ट और अनसोल्ड निकल गया नेट क्वांटिटी के साथ, तो हम लोग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी इनटू अनसोल्ड। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हुआ था 72,250 और नेट क्वांटिटी आया था 4000 और अनसोल्ड है 1000, तो आंसर आएगा 72,250, आंसर आएगा 18,062.563 कर देते। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ए बी सी करना होगा, और साथ में अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो एबनॉर्मल लॉस को भी देखिए, ए से बात दिए, बी से बात दिए, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।